अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है अमेज़न पीपीसी रिपोर्ट्स के हवाले से कि अमेज़न के जो पीपीसी कैंपेन चल रही होती हैं उनकी रिपोर्ट्स किस तरह हम डाउनलोड करते हैं। आज के लेक्चर में हम रिपोर्ट्स डाउनलोड करना सीखेंगे। चलिए चलते हैं, रिपोर्ट्स किस तरह डाउनलोड की जाती हैं वो सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करें, आपके अमेज़न का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। चाहे जिस भी कंट्री में आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के अंदर आएंगे और कंपेन मैनेजर पर क्लिक करेंगे। तो कंपेन मैनेजर पर जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये तरह इस तरह का डैश जैन टैब होगा। स्पॉन्सर एंड रिपोर्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट रिपोर्ट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने जहाँ पे ये दोनों डिफॉल्ट रहने हैं, उसके बाद यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कर लेना। आपने एक वीक की रिपोर्ट डाउन करनी है तो एक वीक क्या करना है, आप एक से लेकर 15 डेज़ की करनी है तो 15 डेज़ की कर लेते हैं। अगर आपने 1 मंथ की करनी है तो आप क्या करेंगे, जहाँ से लेकर जहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे 1 मंथ की हो जाएगी। आपने 10 डेज़ की करनी है तो यहाँ से लेकर यहाँ पर कर लें। जो भी आपने करनी है डाउनलोड तो जहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ से जहाँ तक भी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। और उसके दौरान जितने भी आपके क्लिक्स पड़े हैं, सेल्स आई है, आपको कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी कंपेन चली है, ये तमाम डेटा आपको उस रिपोर्ट में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 1 मंथ की मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर जहाँ से यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम लिख रिपोर्ट्स का नेम ऑलरेडी जनरेट होगा जो डाउनलोड होगी आपके पास। उसके बाद नाउ कर लेता हूँ। उसके बाद रन रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे रन रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अभी प्रोसेसिंग हो रही है। ये प्रोसेसिंग होने दें, थोड़ी सी देर में हो जाएगी ये डाउनलोड। ये थोड़ा सा टाइम लगेगी और ये आपके पास रिपोर्ट डाउन। जैसे आपके पास ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उसके बाद आप इसको मैनेज किस तरह, यानी कि रिपोर्ट को किस तरह देखना है कि कौन से कीवर्ड जो आपको सेल नहीं दे रहे उनको अलहदा कर लेना है, जो सेल दे रहे हैं उनको अलहदा कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास एक कॉज वगैरह वो तमाम चीज़ें हम देख लेंगे कि रिपोर्ट्स को किस तरह जाँच करना है वो अलहदा लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। तो जहाँ से आपके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और जहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है थोड़ी देर में ये, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और ये आपके पास रिपोर्ट डाउनलोड हो गई, ठीक है। इस तरह आपके पास CSV फाइल में आ जाएगी, आपने एक्सेप्ट में इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट आपकी हो गई, ठीक है। तो इसको आप वन बाय वन देखेंगे, कोई भी इशूज़ वगैरह हैं तमाम चीज़ें हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर सीखनी है। तो ये आपकी रिपोर्ट हो गई। तो रिपोर्ट को डाउनलोड किस तरह करते हैं, तो ये तरीका आपने सीख लिया कि रिपोर्ट कहाँ से जाकर कहाँ डाउनलोड करनी। तो ये आपने सीख लिया। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि रिपोर्ट्स को देखना किस तरह की, कौन कौन सी चीज़ें इसमें देखनी है हमने रिपोर्ट्स में, तो वो हम चीज़ें अगले लेक्चर में सीखते हैं। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।